हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टी टाइम व्हीट फ्लावर स्नैक्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप सूजी। अब हम इनको अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच ऑयल। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। देखिए सभी चीजें अच्छे से मिल गई हैं और ये देखिए आटा इस तरह बाइंड होना चाहिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सोप डो बनाकर तैयार करेंगे। अब हम आटे को 5 मिनट के लिए अच्छे से नीड कर लेंगे और चिकना कर लेंगे। ये देखिए आटा हमारा बनके तैयार है। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लोई बना लेंगे। अब हम सूखा आटा डालेंगे और लोई को बेल लेंगे। हमें इसे ना ज्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज्यादा पतला बेलना है। और ये देखिए इतना पतला बेलकर हमें तैयार करना है। अब हम इसको फोक की हेल्प से इसमें होल कर देंगे। अब हम इसको कट करेंगे, तो कट करने के लिए हम ये गिलास का यूज कर सकते हैं या फिर एक ढक्कन का। अब हम इसको सर्कल में कट कर लेंगे। और ये देखिए इसी तरह हम सब तैयार कर लेंगे। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम गरम कर लेंगे और सभी को तेल में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर अब हम इन्हें गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ये सभी अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो गई हैं, दोनों साइड से अच्छे से सिक गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। और ये देखिए हमारे व्हीट फ्लावर स्नैक्स बनके तैयार हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।